3। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़। मैं हूं विवेक कर्कवंशी। हमने जैसे कि वादा किया था, इस समय विधानसभा 137 पलिया में है और इससे पहले भी हमने जनता के माध्यम से जनता के सवाल उनके प्रत्याशियों के लिए लिए थे और हमने लगभग प्रत्याशी भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, इन सब प्रत्याशियों के साथ बात की, उनसे उनके बारे में जाना, उनके मुद्दों के बारे में जाना। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, जाकिर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जाकिर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हम बातचीत शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्या उपलब्धियां हैं आपकी राजनीति में? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मेरा काम ही है जनता की सेवा करना। तो मैंने देखा कि जो मैं सेवा कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं मैं वीक अपने आप को महसूस कर रहा था, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ कि अगर राजनीति मैं कामयाब होता हूँ तो मैं अपनी जनता की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा कर सकूँगा। डॉक्टर साहब, आप लखीमपुर के रहने वाले हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवा और राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्या कोई विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसके बाद आपका रुझान राजनीति की तरफ आया? सेम, जनता की सेवा। जनता की सेवा, तो डॉक्टर साहब का कहना है जनता की सेवा के लिए इन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया है, अच्छा काम करना चाहते हैं, विचारधारा अच्छी है। हम आगे बढ़ते हैं, हम इनसे सवाल है जनता की तरफ से पूछे गए थे। डॉक्टर साहब, आप जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं और प्रबल टक्कर है आपकी, प्रतिद्वंद्विता भी अच्छी खासी है, वर्चस्व भी है, वोट बैंक भी है आपका इस क्षेत्र में। लोग जानना चाहते हैं कि आप प्रथमतः तो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, मुस्लिम प्रत्याशी के साथ बीएसपी ने ऐसा कौन सा काम किया है, कौन सी उपलब्धि है बीएसपी की जो मुस्लिम प्रत्याशी आपको वोट करे, बीएसपी को वोट करे? देखिए, जब माननीय बहन जी की 2007 में सरकार बनी थी तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए जो कभी किसी अन्य दल ने नहीं किए। देखिए, हमारा मेन जो कार्य है वो ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएं ताकि वो खुद कामयाब हो सकें। उसके लिए माननीय बहन जी ने हमारे लखनऊ के शहर के अंदर उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करी। हज हाउस कभी नहीं बना पाया, कोई भी सरकार नहीं बना पाई, माननीय बहन जी ने हमारे समाज के लिए लखनऊ के अंदर हज हाउस की स्थापना करी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, हम जानना चाहते हैं बीएसपी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आवाज़ हमेशा से उठाती आई है, बेस वोट भी उनका वही है, आपका मास्टर प्लान क्या है मुस्लिम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए? आगे अगर आप जीत के आते हैं तो मास्टर प्लान क्या है, इनके लिए क्या विशेष करेंगे? मैं देख रहा हूँ इस पलिया विधानसभा स्पेशली दलित बहुल विधानसभा है, लेकिन पिछले दसियों साल से यहाँ पे सिर्फ अत्याचार किया गया है समाज के लिए, दलित समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए। मुझे आशीर्वाद पलिया विधानसभा से मिलता है तो मैं इन समाजों के लिए स्पेशली एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके और रोडों को लेके मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं इन उद्देश्यों पे कार्य करूँगा। इन्हीं को आप जो है मास्टर प्लान, अगर हम कहें कि जीतने के बाद आपके 5 प्रमुख काम क्या होंगे तो आप क्या कहेंगे? नंबर 1 रोड, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ, के हेल्थ को लेके अभी कोरोना काल में अनगिनत लोगों की मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से। मेरा प्लान रहेगा हेल्थ को लेके कि एक पलिया विधानसभा के अंदर ऑक्सीजन प्लान भी किया जाए और अच्छी हेल्थ। ऑक्सीजन प्लांट तो पलिया में पहले से तैयार है। देखिए, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी पाई गई हैं। इस पलिया विधानसभा के अंदर एक बहुत ही अच्छा हम एक प्लान करेंगे और उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे और एयर हेल्थ को लेके किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं है गवर्नमेंटेड, जो भी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। मैं उस पे माइंड कंसंट्रेट करूँगा और उसको बेहतर से बेहतर चलाने का प्रयास करूँगा। और एक काम और है यहाँ पे कि भूमिदरी का जो मामला है, यदि माननीय बहन जी की सरकार 2022 में रिपीट होती है
और मैं इस पलिया विधानसभा का विधायक बनता हूँ तो मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। यही एक मुद्दा हमने हर प्रत्याशी के साथ उठाया है। संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1956 में लोगों को पूर्वांचल समेत अन्य जनपदों से लोगों को लाकर बसाया गया था। पूर्वा 12 कॉलोनियाँ बनाई गई थी। 12 कॉलोनियाँ इस समय लखीमपुर खीरी में हैं। कुल 24 कॉलोनियाँ थीं जिनमें 12 कॉलोनियाँ लखीमपुर और 12 इस समय पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र में चली गई हैं। उसी पर उनको भूमिधरी का भी 64 साल बीतने को हैं, भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, एक आरोप लगता है हम जहाँ भी जिन प्रत्याशियों से हमने इंटरव्यू किया है, जब हमने उनसे बीएसपी के रुख के बारे में पूछा तो उनका कहना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनका कहना है कि आप बस भाजपा के लिए बी टीम का काम कर रहे हैं। देखिए, उनको मालूम है, उनको मालूम है कि माननीय बहन जी 2022 में सरकार बनाने जा रही हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूं कि जहां जहां मैं जा रहा हूं, मेरा प्लान हो रहा है, यहां के सिटिंग विधायक जी पीछे से लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए, ज़मीनी स्तर पर वो कहीं नज़र नहीं आ रही। पलिया विधानसभा के अंदर उनके पास कुछ नहीं है, और ना ही यहाँ पे जो सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने तो सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस बना दिया है। बस इंतज़ार करते रहते हैं कि इस गांव से कोई खबर आ जाए कि कोई मर गया है, बस जाएं और 2-4-500 रुपए दे के 10-20 हज़ार का एक अपना ऐड कर दें। इसके अलावा पलिया विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस पलिया विधानसभा की समस्त जनता अब भली भांति जान चुकी है, बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमने सवाल लोगों से मांगे तो कई लोगों ने एक सवाल किया कि जिस तरीके से पिछली बार या अन्य जब बीएसपी चुनाव में आती थी, चुनाव मैदान में उतरती थी, तो एक बहन जी का आक्रामक तेवर देखने को मिलता था, प्रतिद्वंदियों पर विपक्षियों पर हमला बोलती थी, इस बार ऐसा अमूमन कम देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ है कि जनसभा, योगी आदित्यनाथ जी भी आए, अखिलेश यादव जी भी आए, और सारे पार्टियां, प्रियंका गांधी जी भी बराबर इस क्षेत्र में रहीं, लेकिन अभी तक बसपा कैडर के कोई आपके जो है कोई नेता, बड़े नेता यहां तक नहीं आए हैं, क्या कारण है? माननीय बहन जी ने 16 तारीख को लखनऊ के अंदर मंडल रैली करी हुई है। आज लखीमपुर शहर के अंदर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आ रहे हैं। कल यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी सीमा कुशवाहा जी भी आ रही हैं, ठीक है। समस्त पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूरी पूरी विधानसभाओं में जा रहे हैं। और ये बात चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया ये चीज़ को नहीं लाइट करती है, 2007 में भी हमारे साथ यही हुआ, हमको नहीं बताया गया, इस बार भी यही मीडिया बता रही है। और 2007 में हमने पूर्ण बहुमत हासिल किया, 2022 में भी हम पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। दो आखिरी सवाल हैं, समय कम है, डॉक्टर साहब को जाना है, तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, शिक्षा के मंदिर स्कूल हैं, इस समय एक राजनीति बड़ी गरमाई है कि स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में नकाब पहन के जाने पर जो राजनीति चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? पहले ही मैं बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है, ये सिर्फ उसी का प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पोलराइज करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या कहना है, क्या नकाब पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के नकाब पहन के जाता है तो उसको जाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। आपने मत जान लिया, एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब से, मैं जानना चाहूँगा, एक स्लोगन था आपका, तिलक तराजू और तलवार, इस पर वर्तमान में आपकी क्या राय है? देखिए, यदि आपको कोई वीडियो दिख जाए तो मुझे दिखा दीजिए। माननीय बहन जी ने कभी भी इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं कही है, ठीक है। माननीय बहन जी का और हम ही सभी लोगों का सिर्फ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय एक स्लोगन है, हम इसी पे काम कर रहे हैं और इसी को लेके पूरी विधानसभा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं।
डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी है, ये बताइए कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई बीएसपी जो है दलितों की आवाज़, मुसलमानों की, मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा जानी जाती है, ऐसी कौन सी, क्या बहन जी को या समाज बहुजन समाज पार्टी को दलितों और मुस्लिमों पर विश्वास उठ गया कि उनको ब्राह्मण सभाएं करनी पड़ रही हैं? नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूं। नहीं, ये नारा तो आपका हमेशा से है, ये नारा हमेशा से है, लेकिन जब जब भी हमने चुनाव में गए हैं और हमने देखा है आप दलितों की बात को, दलितों की बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दलितों के उत्थान के लिए हमेशा काम करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या आप भी अन्य पार्टियों की तरह देखा देखिए तो नहीं, आप ब्राह्मणों को कैच कर लें और श्रवणों को कैच कर लें, तो क्या विश्वास कम हो गया है दलितों पर? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग जो जिसको जितना हक दिया गया है हम उस हक की बात करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी संविधान को और उसको तोड़ना चाहती है, मचोड़ना चाहती है, तो हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से दलित समाज लगा हुआ है, पूरा का पूरा कैडर तन मन धन से लगा हुआ है, और इसके अलावा मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, जो भी यहाँ पे समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरी तरह से माननीय बहन जी के साथ लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इतना समय दिया जनता के बीच, हमने डॉक्टर साहब की बात पहुंचाई, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब जाकिर जी, और हमने इनसे सवाल जो जनता के द्वारा लिए गए, इनके मुद्दे बताए, इनका मास्टर प्लान बताया, अगर ये जीतते हैं तो ये क्या काम करेंगे। धन्यवाद, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक अर्कवंशी।